फिल्मों में अपनी क्यूट स्माइल और चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री जूही चावला ने 80 और 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों को खूब जीता है। साथ ही फिल्मी पर्दे पर अपने अलग अलग किरदार से हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं। इन्होंने अपने करियर में अजय देवगन, शाहरुख, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, आमिर खान जैसे तमाम स्टार्स के साथ काम किया और सभी के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके रियल लाइफ भाई के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इनके भाई के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को अंबाला हरियाणा में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं पर हुई। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी और साल 1984 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लेकर इसकी विजेता भी रही थी, जिसके लगभग 2 साल के बाद साल 1986 में इन्हें मल्टी स्टारर सल्तनत फिल्म में काम करने का ऑफर मिला था, जिसे इन्होंने स्वीकार कर इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की। पर अफसोस कि इनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इनके अच्छे परफॉर्मेंस के चलते इन्हें इनकी अगली फिल्म कयामत से कयामत तक मिली, जिसमें इन्होंने आमिर खान के साथ काम किया और इनकी ये फिल्म सुपरहिट साबित रही, जिसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में की जिनमें बोल राधा बोल, यस बॉस, इश्क और डुप्लीकेट जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं, जिनमें काम करने के बाद इन्होंने खूब सफलता हासिल की। पर पिछले काफी समय से ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। इन्हें आखिरी बार एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फिल्म में देखा गया था, जिसके बाद ये किसी और फिल्म में नजर नहीं आए। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ भाई के बारे में तो इनके भाई का नाम बॉबी चावला है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 9 मार्च 2014 को 55 साल की उम्र में निधन हो गया था। इससे पहले वो एक बुरे कार एक्सीडेंट से गुजरे थे, जिससे उनके दिमाग पर गहरी चोट लगी और साल 2010 में वो कोमा में चले गए थे। 4 साल तक कोमा में रहने के बाद उनका निधन हो गया था। आपको बता दें कि बॉबी चावला शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सीईओ और उनके करीबी दोस्त भी थे। वहीं अगर बात करें इन दोनों भाई बहन के रिश्ते के बारे में तो ये दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, इसलिए तो एक इंटरव्यू में जूही अपने भाई बॉबी चावला के बारे में बात करके काफी भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा था कि बॉबी जब से अस्पताल गए उसके बाद घर नहीं आए, अस्पताल में उनका अधिकतर समय आईसीयू में बीता था। उनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, पर मैं मजबूर थी। एक्ट्रेस ने कहा कि माता पिता के निधन के बाद उनके भाई की मौत से वो बेहद दुखी थी। वो मुझसे बड़े थे इसलिए वो ज्यादा करीब नहीं थे, पर बावजूद वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए माता पिता के गुजर जाने के बाद लोगों को लगता था कि हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, पर वो भी मुझे छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, क्या आपको भी इनके भाई के बारे में जानकर हैरानी हुई कि नहीं? आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।